सेंट जोन्स शहर का जाना माना मेडिकल कॉलेज था। धीरे धीरे उस कॉलेज के बारे में अफवाहें फैलने लगी और वो कॉलेज बंद हो गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। मगर इसके साथ ही उस खंडहर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उसके आसपास होने वाली अचानक मौतें लोगों के डर का कारण बन गई। एक रोज एक लड़की अपने पालतू डॉग को शाम के वक्त घुमा रही थी कि तभी प्लूटो, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? लड़की का डॉग उसके हाथ से चेन छुड़ाकर भागता हुआ टूटे हुए मेडिकल कॉलेज के अंदर चले जाता है। लड़की भी आवाज लगाते हुए उसके पीछे चली गई। अंदर काफी अंधेरा था। प्लूटो, प्लूटो, कहाँ हो तुम? कम यार। लड़की जैसे ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखती है, भयंकर चेहरे वाले कुछ लोग प्लूटो के अंगों को बैठे चबा रहे थे। वो खौफनाक नजारा देखकर लड़की बेहोश हो गई और उसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिन बाद जब एक रात तेज बारिश हो रही थी और एक टैक्सी वाला पैसेंजर को लेके वहाँ से गुजर रहा था, ऐसी तूफानी बारिश पहली बार देख रहा हूँ, लगता है आज पूरा शहर ही डूब जाएगा। आपने सही फरमाया, आज से पहले तो ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। गाड़ी के चारों टायर पानी में डूबे हुए हैं, लगता है हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, गाड़ी थोड़ी देर के लिए साइड में रोक लो, बारिश कम होते ही निकल जाएंगे। टैक्सी वाले ने गाड़ी को उसी टूटे हुए कॉलेज के नजदीक जाकर रोक दिया और वो दोनों फौरन टैक्सी से निकलकर उस टूटी हुई कॉलेज के अंदर चले गए। अचानक उन्हें वहाँ एक गार्ड दिखाई दिया। अरे आप लोग बाहर भीग क्यों रहे हैं? अंदर चलिए, अंदर आकर बैठ जाइए। बारिश से बचने के लिए पैसेंजर और टैक्सी वाला उसके साथ उस टूटे हुए कॉलेज के बिल्डिंग के अंदर चले गए। पर कुछ ही वक्त बाद टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर्स की दर्दनाक चीख से बिल्डिंग कांप उठी। वक्त के साथ धीरे धीरे लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। आज सुबह फिर एक बार पुराने मेडिकल कॉलेज की इमारत से दो लाशें बरामद की गई हैं, जिनका बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी घटनाओं का रहस्य जानने के लिए एक पत्रकार नीरज रात के समय उस खंडहर में पहुंचा। आज मैं इसकी खोज करके ही रहूंगा कि आखिर इस मलबे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसके नजदीक आने में दहशत खाते हैं। टॉर्च की रोशनी मारता हुआ खंडहर में दाखिल हो गया कि तभी किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे ये आवाज कैसी, इतनी रात को मेरे अलावा यहाँ और कौन हो सकता है? नीरज ने पीछे पलट कर देखा, उसके ठीक पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था जो देखने में काफी रहस्यमय दिखाई दे रहा था। अरे गार्ड साहब, आप यहाँ ड्यूटी करते हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। हाँ यहाँ कोई नहीं रहता, तुम भी चले जाओगे, यहाँ क्यों आए हो? मैं एक रिपोर्टर हूँ और यहाँ पर होने वाली वारदातों के बारे में जानने आया हूँ। आप बता सकते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? वो जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ इस मलबे के अंदर चलना होगा। क्यों नहीं, मैं तो खुश हूँ कि यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई तो है। नीरज उस गार्ड के पीछे पीछे खंडहर के अंदर चला गया। गार्ड एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए खंडहर के बीच बने हुए हॉल के एक दरवाजे के पास आकर रुक गया। गार्ड साहब, ये कौन सी जगह है, क्या है यहाँ पर? गार्ड साहब, अरे ये गार्ड कहाँ चला गया? नीरज ने आसपास टॉर्च की रोशनी मारकर देखा, पर गार्ड वहाँ पर नहीं था। बड़ा ही अजीब गार्ड है, बिना बताए ही चला गया। खैर देखता हूँ इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। नीरज जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नीरज के बार बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नीरज अपने टॉर्च की रोशनी अंदर मारने लगा। उसने देखा कि वहाँ एक हॉल है जिसमें दीवार से सटे हुए पलंग पर चारों ओर लाशें रखी हुई हैं। ओह गॉड, ये तो मुर्दा घर लगता है, मगर ये जगह तो मलबे में बदल चुकी है, फिर ये लाशें कहाँ से आईं? तभी अचानक नीरज की टॉर्च बंद हो गई।
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। नीरज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक हॉल की मटकरी चिट 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 आवाज के साथ जलने बुझने लगी। नीरज को आखिरी वाले पलंग के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कौन है वहाँ पर, जवाब दो। नीरज ने जलती बुझती रोशनी में करीब जाकर देखा। वहाँ एक लाश थी जिसका चेहरा कटा फटा था और वो लाश अपने हाथों में अपना कटा हुआ जबड़ा लिए खड़ी हुई थी। भूत, भूत, बचाओ! नीरज दरवाजे की ओर भागा पर वो किसी से टकरा कर गिर गया। नीरज एक लाश से टकरा कर गिर गया था जिसकी दोनों आंखें निकाली गई थी और वो हंस रही थी। ये मैं कहां फंस गया, कोई बचाओ मुझे, गार्ड साहब, गार्ड साहब, दरवाजा खोलो। तभी मरकरी की लाइट में नीरज ने देखा कि उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था जो उसे कुछ देर पहले वहां लेकर आया था। गार्ड साहब बचाओ मुझे, यहां भूत है, यहां भूत है, आप कहां चले गए थे और अंदर कैसे आए, दरवाजा तो बाहर से बंद है। गार्ड नीरज के बाद के जवाब में भयानक हंसी हंस रहा था और अगले ही पल नीरज ने एक भयानक मंजर देखा। मुर्दा घर के सारे मुर्दे नीरज के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हुए थे और उस गार्ड के साथ हंस रहे थे। तेरी समझ में कुछ आया? इस कमरे में सिर्फ तू ही ऐसा है जो जिंदा है। मैं भी एक बार इन लाशों का शिकार बना था, आज तेरी बारी है। देखो मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इन लाशों ने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? जब यहाँ कॉलेज था तो एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों की लाशों को यहाँ पर लाया जाता था। उन लाशों को बड़ी बेरहमी से काट दिया जाता था। इनकी मौत के बाद भी इनके जिस्म को सजा दी जाती थी। अब इन सब की रूहें यहीं पर रहती हैं और यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान को अपना शिकार बनाती हैं। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। देखते ही देखते सभी मुर्दे नीरज पर टूट पड़े। मुझे बचाओ, बहुत बहुत, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नीरज की आत्मा भी उन मुर्दों के साथ खड़ी थी और अपने शरीर के टुकड़ों को देखकर हंस रही थी। नीरज भी भूतिया कॉलेज के मुर्दों का शिकार बन चुका था